नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिंकी सिंह और शुरुआत करते हैं रात 9 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से जुड़ी हुई। यूक्रेन की स्थिति पर ममता ने मोदी को लिखा पत्र। यूक्रेन की हालत को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध को दूर कर सब एक साथ रहे। पत्र में उन्होंने लिखा है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश की गरिमा बरकरार रहे। एक बार फिर विश्व भारती के छात्रों ने जमकर किया हंगामा। विश्व भारती विश्वविद्यालय में एक बार फिर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। सोमवार की सुबह से ही कैंपस में तनाव का माहौल है। वामपंथी छात्र संगठन और तृणमूल छात्र परिषद की कई मांगे हैं। आक्रोशित छात्रों ने जबरदस्ती गेट में घुसकर क्लास बंद कर दी। सुरक्षा गार्डों के साथ हाथापाई भी हुई। मृत छात्र अनीस खान के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू। हावड़ा के छात्र अनीस की मौत के मामले में आमता थाने के ओसी दूसरे अधिकारी और एक पीएसआई को सोमवार को भवानी भवन में तलब किया गया। यह पांचवी बार है जब उन्हें तलब किया गया है। आमता थाने में नाइट ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को तलब किया गया। इस बीच मृत छात्र अनीस खान के शव को दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। उनके दफनाए गए शव को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मजिस्ट्रेट की निगरानी में कब्रगाह से शव को निकाला गया। उनके शव को दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाएगा। बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का आदेश। सड़क पर उतरे तृणमूल छात्र परिषद समर्थक। कहा, अनीस कांड को लेकर न हो राजनीति। एसआईटी गठन के लिए सीएम को किया धन्यवाद। रामलीला पार्क से गांधी मूर्ति तक निकाली गई रैली। अब रुख करते हैं जिलों की खबरों की ओर। भाजपा द्वारा सोमवार को बुलाए गए 12 घंटे के बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हुगली स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने हस्तक्षेप कर अवरोध खत्म करवाया। वहीं डुआर्स के माल महकमा में बंद का कोई असर नहीं दिखा। यहां के मार्केट खुले थे, वहीं यातायात व्यवस्था भी सामान्य देखी। जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी समेत कई इलाकों में बंद का आंशिक प्रभाव देखा गया। वहीं विधाननगर में भी कल्याण चौबे ने ट्रेन की पटरी पर बैठकर प्रदर्शन किया। कारण अपना जानें, भारतीय जनता पार्टी एकटा जेखने उन्नयन है सेटाके समर्थनकारी एकटा पार्टी। बस रास्तार ओपर एइसब समर्थन करे ना, रेस्टार्ट की पार्टी समर्थन करे ना। किन्तु बर्तमाने जे परिस्थिति होयेछे पश्चिमबांगलार, जे प्रशासनिक एवं सामाजिक जे परिस्थिति होयेछे तार बिरुद्धे विक्षोभ जानाते गिये आजके आमादेर चरम বিকল্পটা নিতে হয়েছে। নির্বাচন যে কি হয়েছে তার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আপনাদের রয়েছে, আপনাদের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ যারা বিশ্ববাসী দেখেছে। তো আজ সাংবাদিকরা মার খেয়েছে, তো এইরকম একটা জায়গা নির্বাচন করার দরকার নেই পশ্চিমবাংলায়। संक्राइल के जालान कॉम्प्लेक्स में लगी भयावह आग। संक्राइल के जालान कॉम्प्लेक्स के रूई के गोदाम में भयावह आग लग गई। घटनास्थल पर चार दमकल की इंजनें पहुंच चुकी है। आग को बुझाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। चार केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे। हाई लेवल मीटिंग में सरकार ने छात्रों को निकालने का रेल रूट भी तय किया। एक नजर डालते हैं मनोरंजन पर। लाइव चैट में ही उठ गया प्रियंका चोपड़ा का टॉप, पति निक के सामने हुए शर्मसार। एक नजर डालते हैं धर्म जगत से जुड़ी खबरों पर। महाशिवरात्रि 1 मार्च यानी कल है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त शिव जी की पूरे मन से पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि लड़कियां महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का व्रत रखती हैं। ऐसे में उन्हें अच्छे और योग्य वर की प्राप्ति होती है। हालांकि शिव जी की पूजा लड़के भी बड़े चाव से करते हैं। विशेष खबरों के लिए बने रहें खबर एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।